जमूर है? तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला, जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ, खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला। शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला। बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला। शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की। सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। अभी इस बेचारे की कहानी सुनाऊंगी, जब पता चल जाएगा क्यों इतनी उदास है। ग्योरी, तेरी तैयारी है गई पूरी? बस 5 मिनट और लगेंगे बाजी। ठीक है। अम्मा पढ़ के लौटी घर पे और बोली बात से बालक, मैं बोला तू छोड़ जे सब कुछ पका दे पासे पालक। लगी मैं भासे भारी करके काम हूँ आई, थकर चूर हुई मैं बेटा खाना नहीं पकाई। अरे उड़द की दाल पकाई मैंने, सबने मिलके खाई। ताश खेलते बैठी अम्मा उंगली नहीं उठाई। इधर आ छोरा, मैं तुझे बताऊं किन्ने पकाई दाल और किन्ने खाई। ओ छोरे छोरा। अरे छोरा छोरा ही चिल्लाते रहोगे या ताड़ी भी बजाओगे? अरे बजाओ जोर से। तो सज्जनों, कठपुतली का खेल शुरू होने ही वाला है, पर उससे पहले हम आपको एक स्पेशल किलोग्राम दिखाएंगे। हमारे सब सेंटर की डॉक्टर रानी उषा बहन जी आपके सामने गाना सुनाएंगी। ये क्या करती हो? मुझे गाना मानना नहीं आता। आता है मौसी, बहुत अच्छा आता है, मैंने सुना है। घर का भेदी लंका ढाए। सही बात है जी, एकदम सही। अरे गा दो ना बहन जी, इतना अच्छा तो गाओ हो। कहाँ अच्छा गाती हूँ, तुम भी। अरे वो सुना दो, वो लड़की जो नदी के किनारे बैठ के भाई को याद करे। चलो ना बहन जी। अरे जी जाती के ना, सुनाओ सुनाओ। अरे दो सब काम बिताएंगे तो सुनाना ही पड़ेगा। ठीक है सुनाती हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी भाषा के ही गाने आते हैं। अच्छी सुनाओ जी सुनाओ, सुनाती क्यों ना, ये तो बंगाली जबान तो बड़ी मीठी हो वे। मीठी तो होती है, लेकिन आप लोग समझेंगे कैसे? ठीक है, पहले मैं आपको मतलब समझा देती हूँ। ये गाना एक लड़की गाती है। लड़की क्या, बिल्कुल बच्ची है। 11-12 साल में इसकी शादी हो जाती है। ससुराल में इसका कोई साथी नहीं है, घर की बहू है तो बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती। जब वो नदी पर किसी नाव को अपने गांव की तरफ जाते देखती है तो पुकार कर कहती है कि जाश्री, यानी कौन जा रहा है? अगर तुम मेरे भाई से मिलो तो कहना मुझे मायके ले जाए। 1 साल से उसकी सूरत नहीं देखी तो मेरा मन मुरझा गया है। कितने त्योहार आकर चले गए,
लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ। महिला समिति की एक गान मंडली बनाएंगे, उसे तुम चलाओगी अशरफी के साथ मिलके। मैं? हाँ, बस बात पक्की। कमला सुनी तूने? अब इसे भागने मत दीजो। अरे ना, कल से ही शुरू करवा दे। तो कठपुतली का खेल शुरू होने ही वाला है। आप जानते हैं कि आज का पिलोग्राम गंगरौली में महिला समिति बनने की खुशी में किया जा रहा है। आज का पूरा खेल अशरफी ने तैयार करा है और कठपुतलियां बनाई है रहमान ने। शहर से जो हमारी कालिंदी बहन जी आई हैं, उन्होंने ये गाना अशरफी को तैयार कराया है, पर खेल अशरफी नहीं बनाया है। तो खेल शुरू होने वाला है, बजाओ ताड़ी। जिसके खाविंद ने उस पे ढाया सितम, उस नवेली दुल्हन का करूं मैं बया। उसके खाविंद ने उसे एक दिन कहा,
उसके खाविन ने उसे एक दिन कहा, मुफलिसी में फंसा हूँ मैं कुछ इस तरह, या तो अब्बा से अपने को हो कुछ करे, वरना करने चला हूँ मैं दूजा निका, वरना करने चला हूँ मैं दूजा निका। मैं तो समझा था कि तुम लेके जहज आओगी, साथ में मोटी रकम अपने बांध लाओगी, करके सौदा तुम्हारे गहनों का, कोई धंधा खड़ा मैं कर लूंगा। तुम तो पर खाली हाथ आई हो, सिर्फ दो जोड़े साथ लाई हो, मेरे ऊपर तो फकत बोझ हो तुम, एक सहारा नहीं हो बोझ हो तुम। इसलिए गौर से सुन लो अब मेरी जान, मुझको कोई तुम्हारी जरूरत नहीं, मुझको कोई तुम्हारी जरूरत नहीं। आ रहे हैं अभी मौलवी यहाँ, मेरी शादी में कोई रुकावट नहीं, मेरी शादी में कोई रुकावट नहीं। ऐसी बातें सुनी सुन के दंग रह गई, सर झुका के कहा, अब मैं जाऊं कहाँ, सर झुका के कहा, अब मैं जाऊं कहां। जिसके खाविंद ने उस पे ढाया सितम, उस नवेली दुल्हन का करूं मैं बयां, उस नवेली दुल्हन का करूं मैं बयां। जिंदगी घर में ही बिताई थी, एक अक्षर भी पढ़ न पाई थी, कभी सीखा नहीं था कोई हुनर, सोचा था घर में ही कटेगी उम्र, जब पड़ी उस पे आके वक्त की मार, हो गई इस जहां से वो बेजार। तभी उसने ये दिखा नजारा, और कानों में पड़ा एक नारा, और कानों में पड़ा एक नारा। कमजोर उनकी आवाज भी बनी पुरजोर, उनकी आवाज भी बनी पुरजोर। रूढ़िवादी समाज तोड़ेंगे, इस गुलामी की डोर तोड़ेंगे। औरतों का जुलूस जाता था, जैसे सैलाब बढ़ता आता था, उसको ऐसा लगा कि ये बहने उसको आवाज दे बुलाती है। आओ है पर्दा नशीनो, आओ अपनी बहनों के साथ मिल जाओ, ऐसे जुल्मों से तम से लड़ना है, इसको जड़ से तमाम करना है। उसके दिल ने जो सुनी झंडे के नीचे जा पहुंची, अपनी मंजिल पे जैसे आ पहुंची, उसको दुनिया से लड़ने की ताकत मिली, मिल गया जैसे उसको नया ही जहां। जिसके खाविंद ने उस पे ठाया सितम, उस नवेली दुल्हन का करूं मैं बयां। सरफी, तेने बड़ा अच्छा खेल दिखाया। क्या अच्छा दिखाया? भरत कैसे अपनी बीवी को तलाक देके दूसरी शादी कर ले रहे? नहीं जे मतलब नहीं, जहेज ना लाने पर कैसे अपनी बीवी को घर से निकाल देवे, जे ही अच्छा लगा होगा। तू तो हमेशा काट खाने को आवे है, मैं जे थोड़े कह रहा। फिर अच्छा दिखाया, तू भी ऐसा ही करियो अपनी घरवाली के साथ।
क्यों? चुप क्यों है गया? ऐसे ही करेगा? मैं तो अपनी बीवी को रानी की तरियों रखूंगा। हाँ, 7 दिन रानी और बाकी उम्र नौकरानी। तू देख लियो। मैं क्या देखूंगी, तेरा काम, तू जाने, तेरी घरवाली जाने। मैं चको मना लूंगा, तू घबरा मत। डराए मेरी जूती। असरफी, ऐसे बात क्यों कर रही है? चचा मान जाएंगे ईमान से। तेरे चचा तो किसी खाते पीते घर की लड़की लगाए बैठे हैं, जो शेर भर गहने ला के आवेगी और जिसके बाप भाई ईद बकरीद पे पूरे टब्बर के लिए जोड़े भेजेंगे। मुझे ना करने की खाती पीती से शादी। फिर किससे करेगा? है कोई? होगी कोई मुजली। मुंह तो उसका हैगा चांद जैसा। ओहो, जरा मैं भी तो सुनू उस चांद परी का नाम, जो तेरे जैसे लल्लू से शादी करने को राजी हो गई है। है एक बेचारी बदनसीब। बदनसीब मत ना कहियो रहमान। बदनसीब तो वो हुए जो पर्दे के पीछे पड़ी पड़ी कुटती रहे हैं। अरे अरे, ये क्या कह रही है तू? बदनसीब मैं थी जब मस्जिद में खैरात की रोटी खाती थी। अब मेरे जो दो हाथ है ना, ये ही मेरा नसीब है। मेहनत करती हूँ, मेहनत की खाती हूँ, किसी के आगे हाथ ना फैलाती। अरे तो मैंने ऐसा कब कहा है? और शादी के बाद भी मेहनत की खाऊंगी। हाँ, कभी तेरा चचा यूं समझ रहा हो कि कोई एहसान करेगा मुझ पे मुझे बहू बना के? बता दी जो उसे असरफी एक फूटी कौड़ी भी दहेज की ना लाने की। अरे तो दहेज के लिए कह कौन रहा है तुझसे? ना ही किसी के ताने तिसने सुनने की। असरफी, क्या है क्या तुझे? क्या उल्टी सीधी बकिया जा रही है? होश में आ। मैंने कुछ नहीं कहा उस्ताने जी, जी अपने आप ही। और कुछ कहेगा भी नहीं? तेरे चचा तेरी दूसरी जगह शादी करा देंगे और तू यूं ही खड़ा रही हो चुपचाप। असरफी, ये क्या कह रही है तू? मैं ऐसा नहीं हूं। रहमान, तू जा, ये अभी ठीक है जाएगी। बस बस। जाना। अरे ऐसे क्या रोते हैं भला? चुप। बाजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर कैसा? इसके चचा ने भी तो 2-2 बीवियों को तलाक देके घर से निकाल दिया। मेरा तो कोई घर बार भी ना है। ऐसे खाली हाथ जाऊंगी तो एक पल भी चैन से ना रहने देगा। और ये तो इतना भोला है कि कुछ कर ही लाएगा। नहीं नहीं अशरफी, ऐसा मत ही सोच। रहमान ऐसा ना है, तेरी इज्जत करता है, जी से चाहता है तुझे। और तू क्यों अपने को कमजोर समझने लगी है? अरे पढ़ लिख गई है, अपनी मेहनत का खाती है, समझदार है तू। और रहमान सोच समझ के तुझसे ब्याह कर रहा है। तेरे साथ ऐसा कुछ ना होने का। देख, मेरी तरफ देख और पूछ दे जी आंसू। तेरी तरह बहादुर लड़की ऐसे रोएगी तो बाकियों का क्या होगा? हंसते, ए हंसते, हाँ ऐसे। शाबाश। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दबकर न रहेगी, हरगिज़ नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पान की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी। औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।